देखिए जहानाबाद में किस तरीके की फैन फॉलोइंग तेजस्वी यादव के लिए है वो जानने की कोशिश करते हैं। फिलहाल जितने भी तमाम तेजस्वी यादव के समर्थक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाइएगा। यस, मुख्यमंत्री बनाना है। कहे कि युवा चेहरा हुए है जो वही नौकरी देने के लिए है और फुल बहुमत के साथ और बहुमत बनाएंगे, मुख्यमंत्री बनाएंगे। पूरा फुल बहुमत से तेजस्वी यादव को जिताना है। 2020 के भी चुनाव में 2024 में 40 में 40 सीट पूरा बिहार देने का काम करेगा। 2020 का चुनाव में माननीय तेजस्वी यादव ने चुनाव जीतने का काम किया था। उसमें एनडीए के सरकार ने मिलीभगत के कारण कुछ वोटों से हरा दिया गया था महागठबंधन के प्रत्याशियों का। पलटू चाचा के भगाना है। सबसे पहले बिहार को जनमत का अविश्वास हो, 5 साल का फुली मेरी सरकार चाहिए। हमारे विश्वास में जनमत का धोखा, मेरे जनमत जो जनता का विश्वास है, 5 साल के लिए सरकार बनाई। मेरे चाचा नीतीश बाबू ने धोखा दे के 3 बार एक मुख्यमंत्री बने हैं, ये 9वीं बार गठन करें। उनका कौन सा विश्वास है कि जनता के साथ धोखा दे रहे हैं? हमारा विकास, बिहार को विकास चाहिए, दिल्ली के तक सफर चाहिए। आज हमारे बिहार का जो गर्त है 18 साल में, वो खाली एक चीज का लोगों लेकर चलते हैं। लालू जी लालूबाद, आप क्या बिहार के लिए किए हैं? उनका मेरा सपना है बिहार को आगे बढ़ाना है। हाँ, और दूसरा काम है जो 17 वर्ष में जो तेजस्वी यादव ने जो बात किए थे, क्या मैं सीएम बनूंगा तो पहला कैबिनेट से पहली कैबिनेट में, बाकी सीएम नहीं बनते हुए डिप्टी सीएम बन के वो 17 महीने में 17 बार रोजगार दिए हैं। इसके लिए तेजस्वी यादव को धन्यवाद। एनडीए के केंद्र के सरकार ने हमारे सभी सरकारी नौकरियों को प्राइवेट शुरू करने का काम कर रहा है, जिसे एनडीए सरकार को हटाना चाहिए। हाँ सीएम सब, बिल्कुल 100% आरजेडी जिंदाबाद रहेगा। 100% गारंटी सरकार बनेगा। हाँ, पूरी सपोर्ट केंद्र में सरकार ही बनेगा, राहुल यादव का बनेगा। 100% गारंटी है मैडम। हम थोड़ा हम 3 बात कहना चाहेंगे मैडम। तेजस्वी यादव विश्व के ऐसे नेता बने हैं, आज तक ऐसा किसी भी देश में नहीं हुआ है कि जातिगत जनगणना कराने के बाद वैसा जो भी लोग हैं जिसका अपना घर नहीं है, सब लोग को घर के लिए पैसा दिया जा रहा है। प्लस हमेशा हमारे नेता A to Z की बात करते हैं, वैसे बेघर चाहे वह किसी भी समुदाय किसी भी कास्ट के लोग हो, सब लोग को घर मुहैया कराया जा रहा है। शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार पे इनका जो काम किए हैं, आज तक ऐसा विश्व में कोई भी नेता काम नहीं किया है मैडम। तेजस्वी यादव जरूर बिहार कुमार भी तो विकास नहीं मैडम। हमें कहना है मैडम, जब नीतीश कुमार जब सत्ता से बाहर होते हैं तो बोलते हैं कि बोल बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। नीतीश कुमार पहले बोलते थे जब सरकार में जब कांग्रेस थी, जब देश में कांग्रेस का सरकार थी तो नीतीश कुमार हमेशा कहते थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। अब तो वह भाजपा के साथ में है, डबल इंजन का सरकार है, फिर भी वो नहीं बात करते हैं कि बिहार को विशेष राज्य दर्जा चाहिए। जो हमारे नेता आदरणीय जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो काम कर दिए हैं, आज तक वैसा इतिहास में कोई देश काम नहीं किया है। शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, रोजगार पे, अब तो भाई नीतीश कुमार दिलवा देना, कहे ना दिलवा रहे हैं बिहार को विशेष राज्य की दर्जा। वो अब कहते हैं कि ये गलत है, जुमलेबाजी है, जंगल राज है, वो केवल जनता को गुमराह करना चाहते हैं, वह विकास की बात करना ही नहीं चाहते हैं। जो नीतीश कुमार जो शुरू में 5 साल काम किए, उसके बाद अब वो रिटायर हो गए हैं, अब उनको बिहार की जनता नकार दिया है, सब त्याग दिया है। हमारे नेता का सरकार जरूर बनेगा बिहार में, 40 के 40 सीट पे इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगी। नीतीश कुमार मेरे सर जा रहे, देखिए बिलो ताने वाले चिकनी चुपड़ी बातों में 10 साल भाजपा काट गई, कभी हिंदू तो कभी मुस्लिम करके भाजपा देश को बांट गई, बदल गई है पार्टी केवल, नेता नहीं बदला है। कह रहा है मैं हूँ रक्षक, लुटेरा नहीं बदला है। कभी रहा वो इस पार्टी में, कभी रहा उस पार्टी में, वही है मौजूद अभी भी, पार्टी केवल बदला है। पार्टी बदलने से बिहार का विकास नहीं हो जाएगा। बिहार का विकास करने के लिए स्थायी नेतृत्व का सरकार चाहिए। पलटू राम बिहार का विकास के लिए बाधा है, इसको उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, तब बिहार का विकास होगा। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य की जरूरत है,
तब गरीब का विकास होगा। भाजपा से जब जब अडानी पर अंबानी पर सवाल पूछता है तब लोकतंत्र का हत्या कर दिया जाता है। रोजगार चाहिए मंदिर नहीं, रोजगार चाहिए। आगे मंदिर मंदिर व्यापारी है, राम का व्यापारी है, जनता पुजारी है राम का। मंदिर मस्जिद के नाम पर देश को बांट रहा है भाजपा। रोजगार शिक्षा स्वास्थ्य का बात नहीं करता है। आज किसानों पर देखिए गोली चल रहा है, आंसू गैस की गोले छोड़ रहे हैं। देश का इस पाकिस्तान का बॉर्डर बना दिया गया है, सड़क को खोद दिया गया है। इसलिए हम सभी से कहना चाहते हैं कि एक साथ आना चाहिए और देश के बिहार के विकास के लिए तेजस्वी यादव को महागठबंधन को आप चुनना चाहिए। देश की विज्ञप्ति की आजादी, आप लोग फोर्थ स्टेप में जनता किससे सरकार तक आवाज उठाइए, हम लोग का भी आवाज उठाइए। हम ये जाते और कुछ नहीं चाहते। ये पूरे जहानाबाद जिला को आप पूरे भीड़ को दिखाइए और जनमत जो जनमत मिला है वो नीतीश कुमार उससे पागल हो गए हैं। कभी सदन में कुछ बोलते हैं, महिला अभद्र टिप्पणी बोलते हैं। अब क्या जो हम जाते हैं दिल्ली में तो वहाँ सुनते हैं कि बिहार का क्या मुख्यमंत्री कैसा बात बोलता है भाई। कम से कम तेजस्वी विपक्ष में होने के बाद भी सदन में जो गरिमा रखे हैं उससे बड़ा कोई मुख्यमंत्री नहीं। बात करेंगे तेजस्वी यादव को, क्यों हम लोग का देश का विकास कर दे। हमारे भैया हम लोग भैया हैं लालू भैया, कि जहानाबाद की जनता क्या चाहती है ये उन्हीं से जान रहे थे। कैमरा पर्सन नितिन के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज जहानाबाद।